बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त लखनऊ से मिल रही है, जहां पर तीन हत्याओं से दहल उठी राजधानी। दरअसल नशे के आदि युवक ने ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया है। स्मैक खरीदने के लिए बुजुर्ग दंपति से पैसे की मांग की गई थी, पैसा नहीं दिया गया तो बुजुर्ग दंपति की ईंट से पूछ पूछ कर हत्या कर दी गई। चौकीदार को भी मौत के घाट उतार दिया गया। निगौहा थाना क्षेत्र का मामला है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से, जहां पर तीन हत्याओं को अंजाम दिया गया है। नशे के चक्कर में बताया जा रहा है मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स ने दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया, पैसे की मांग की गई और जब पैसा नहीं दिया गया तो ईंट से पूछ पूछ कर हत्या कर दी गई और उसके साथ ही चौकीदार को भी मौत के घाट उतारा गया। लखनऊ में जिस तरह से तीन हत्याएं हुई हैं उससे राजधानी दहल उठी। नशे का आदि युवक जो लगातार नशा करता था, नशे को लेकर उसके पास पैसे नहीं थे इतने, और ऐसे में जब दंपति से स्मैक को खरीदने के लिए उसने पैसे मांगे, बुजुर्ग दंपति से जब पैसे की मांग की गई और जब इनकार किया गया तो ये उसे नागवार गुजरा। उसके बाद पैसा नहीं दिया गया तो बुजुर्ग दंपति की ईंट से कूच कूच कर हत्या कर दी गई। इसके साथ ही चौकीदार को भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो गिरफ्तारी यहां पर पुलिस ने कर ली है इस हत्यारे की। तो लखनऊ का यह मामला है, लखनऊ के निगौहा थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर तीन हत्याएं हुई और उस हत्या के बाद आखिरकार आरोपी की गिरफ्तारी हो गई।